हेलो दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि अंडा शाकाहारी होता है कि मांसाहारी? अगर नहीं पता तो चलो आज इसके पीछे का साइंस समझते हैं। दरअसल जब मुर्गी 6 महीने की हो जाती है तो वो हर 1 से 2 दिन के अंदर एक अंडा देती है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी मुर्गे के संपर्क में आई हो। मुर्गे के संपर्क में आए बिना मुर्गी जो अंडा देती है उसे अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, और इस टाइप के एग से चूजे पैदा नहीं होते। और जब मुर्गी किसी मुर्गे के संपर्क में आने के बाद जो अंडा देती है उसे फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, और इसी टाइप के एग से चूजे पैदा होते हैं। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसके व्हाइट पार्ट में सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, और येलो पार्ट में प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और फैट पाया जाता है। और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और फैट के साथ साथ गैमिट सेल्स पाया जाता है, और यही गैमिट सेल्स इस टाइप के एग को मांसाहारी बनाती है। आपको मार्केट में जो अंडे बिकते हुए मिलते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं। जो लोग वेजिटेरियन है वो उसे खा सकते हैं। और इतना सब जानने के बाद भी अगर आपको नहीं खाना है तो मत खाओ ना यार, मेरा क्या जाता है। सॉरी। वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।